दोस्तों, जिस पेड़ पे फल लगता है वो पेड़ झुक जाता है, और जिस पेड़ पे कुछ भी नहीं होता है वो ऐसे सीना तान के अकड़ के रहता है। तो आप कितने हम्बल हो उस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। क्या आप अपने सर्कल में झुक के रहना पसंद करते हो या फिर अकड़ के रहना पसंद करते हो? हाँ, हम्बल यू आर। आस्क योरसेल्फ, आप कितने हम्बल हो। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बनता है। ऐसा सालों पहले हमने सुना था कि एक अच्छा वक्ता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, क्योंकि बोलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, कि आपको बोलना किस पे है। तो अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सुनना चाहते हैं, आप अगर फनी माहौल चाहते हैं, तो आप फॉलो कीजिए कुमार विश्वास को, देखिए कपिल शर्मा को, देखिए उसके जैसा एटीट्यूड कॉपी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरुआत में हर कोई किसी ना किसी को कॉपी करता है और तभी आगे बढ़ता है। तो आप जैसा चाहते हो, अगर समझो आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो विवेक बिंद्रा को फॉलो कर लो, भूपेंद्र सिंह राठौर को फॉलो कर लो। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अगर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हो तो आनंद सर को फॉलो कर लो, उज्ज्वल पाटनी साहब को फॉलो कर सकते हो। इन सबको फॉलो करके आप जिस तरह की स्किल डेवलप करना चाहते हो, आपको उस तरह के व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यक्तित्व वैसा बन पाएगा। शुरू में हर कोई किसी ना किसी को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? और आपको जिस तरह की स्किल चाहिए उस तरह के लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस तरह के लोगों के वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, जीवनियां पढ़नी होगी, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोगों ने कैसे अपने डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम किया। तो उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तब जाके आप में वो चीजें डेवलप हो पाएंगी, और आप अपने जीवन में उतना ही बेहतर स्पीकर बन सकते हो जितना बेहतर लिसनर बन गए। बेहतर लिसनर बन जाओ, बेहतर स्पीकर बनने के रास्ते में पहला कदम होगा। अपनी लाइफ में एक ऐसा कंट्रोल रखो कि कोई भी आपको डिगा ना पाए। कुछ करना ही है तो अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। कैसे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है? अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते रहो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप हर बार गलती करते जाओ और एटीट्यूड में रहो कि नहीं, मैं ही सही हूं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गलतियां करते हैं और गलतियों को दोहराने में अपना शान समझते हैं। उनसे बोलो कि नहीं भाई, ये आपके लिए गलत रास्ता है, तो वो उनको समझ में नहीं आता और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरी शान है, उसमें मेरा पहचान है। तो कहीं आप तो ये ऐसा नहीं सोच रहे ना कि नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी गलती नहीं की। इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनसे भूलें, गलतियां और पाप होते रहेंगे। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपने अभी तक कोई भूल नहीं की, आपसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं और आपने कोई पाप नहीं किया है। हाँ, जिस दिन रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई है, उसके लिए दिल से क्षमा मांगो। ऐसा नहीं कि वर्ड से, शब्दों से क्षमा मांगा लेकिन अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है। और जो अपने गलतियों के लिए प्रायश्चित कर लेगा, जो अपने गलतियों के लिए क्षमा मांग लेगा, जो अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लेगा, वही चैंपियन होता है। रियल में वो व्यक्ति चैंपियन होता है जो अपने गलती को दिल से स्वीकार करता है। नहीं तो हर कोई आज एटीट्यूड में है कि नहीं, मैंने गलती की है लेकिन मैं क्षमा क्यों मांगू। तो दोस्तों, अपने अंदर के एटीट्यूड को ऐसा डेवलप करो कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा मांगो, मेरे से कुछ पाप हुए तो उसका प्रायश्चित करो। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को चैंपियन बनाती है, और उस चैंपियन बनने की राह में अगर आप हम्बल नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा जिससे आप दुनिया से अलग होते चले जाओगे, आप दुनिया से कटते चले जाओगे। तो अगर दुनिया में रहना है तो गलतियां भी होंगी, पाप भी होंगे, लेकिन उस गलती को मान के, उस गलती का प्रायश्चित कर लेना है और हम्बल बने रहना है। क्योंकि जो पेड़ को फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है, और
सीना तान के खड़ा वही रहता है जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं होता। तो अगर आप दुनिया को देना चाहते हो, सबसे पहला काम करो कि बी हम्बल फॉर एवरी सिंगल पर्सन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।